सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मधुबन गांव स्थित अधिवक्ता सीतामढ़ी व्यापार न्यायालय से AIMIM जिला महा संगठन सचिव इफ्तिखार अहमद की निजी आवास पर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन से प्रेस वार्ता का आयोजन AIMIM युवा जिला संयोजक इंजीनियर मोहम्मद नजरे आलम उर्फ चांद बाबू की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुन्ना मंसूरी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारी ने फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। नई कमेटी का विस्तार करते हुए बोखरा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कोनैन, नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी, सुरसन विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आकीब अख्तर, सुरसन विधानसभा संयोजक मोहम्मद जफर, युवा जिला कोर कमेटी सदस्य उबैद खान, नानपुर सोशल मीडिया प्रभारी आसिफ हिंदुस्तानी सहित अन्य को नई जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सभी को सम्मानित किया गया। पार्टी के जिला संयोजक इंजीनियर नजरे आलम उर्फ चांद बाबू ने मुन्ना मंसूरी और अधिवक्ता इफ्तिखार अहमद सहित सभी नव निर्वाचित सदस्य मुबारकबाद देते हुए कहा कि सीतामढ़ी जिले में AIMIM पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगी और हमारे लोग कामयाब भी होंगे। आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू क्या है? आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू यह है कि हमारे नए साथी बाजपट्टी विधानसभा से मुन्ना मंसूरी साहब और एडवोकेट इफ्तिखार अहमद साहब पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों से। और आज हमारे नई कमेटी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे नानपुर, बाजपट्टी, बोखड़ा, पुपड़ी और ज़िला की भी कमेटी है। इन लोगों का हम लोग कमेटी का गठन और विस्तार आज कर रहे हैं और इन लोगों को पद से भी सम्मानित किया जा रहा है। कौन 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 से प्रखंड का आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन से प्रखंड अध्यक्ष कहाँ से हैं, कुछ बताएंगे? आज बोखड़ा प्रखंड अध्यक्ष हमारे कौनेन साहब, उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। और नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी साहब, पुपड़ी प्रखंड अध्यक्ष पे आरिफ साहब, जिला संगठन महासचिव अधिवक्ता इफ्तिखार अहमद साहब, मोहम्मद उबैद खान साहब कोर कमेटी सदस्य, मोहम्मद आकिब साहब सुरसन विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर नजमुल हुदा साहब कोर कमेटी सदस्य, जफर साहब सुरसन विधानसभा संयोजक, आसिफ हिंदुस्तानी साहब नानपुर प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी। सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा है जी, उनमें से कितने सीटों पर आपकी पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी, या ऐसा आरोप जो लगता है आप लोगों पे कि आप लोग BJP की भी टीम है, क्या उन्हीं सीटों पे जहां मुस्लिम बहुल इलाका वहीं पे आप लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे? आपके सवाल का जवाब है, मुत्तहिद हो तो बदल दो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हमारी आपने जो आरोप और जो लोग विरोधी जो हमारे खिलाफ हमारी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रचते हैं और हम लोगों पे जो एलिगेशन लगाया जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया, 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहाँ से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे, अब बताइए वहाँ मुसलमान का कैंडिडेट और जदयू राजद कांग्रेस भाकपा माले से कैंडिडेट क्यों चुनाव हार गए? वहाँ तो MIM नहीं थी, वहाँ तो MIM के लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ वैसे कैंडिडेट को चुनाव क्यों हारना पड़ा? आप पता कर लीजिएगा, जहाँ यादव बहुमूल पंचायत है वहाँ भाकपा माले कैंडिडेट को 25 वोट मिला है। राजद के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, वहाँ तो MIM नहीं थी। तो ये तो विरोधी की साजिश है। हमारी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे भारत के अंदर में, खास करके बिहार में, जो हमारा MIM जो हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, ये विरोधी को देखा नहीं जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम तो उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तमाम पार्टी के MLA हैं, लेकिन किसी को आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर उसने आवाज़ उठाने का काम किया हो, लेकिन एक विधायक है
जिसका नाम अख्तर उल ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी और कौम की भी पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूम, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारे पार्टी में सभी तबके, सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं। और हम समाज के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और यही मैसेज को, यही पैगाम को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको मात देने का काम करेंगे चुनाव में, तो हम पे तरह तरह की इल्जामें लगती है। अब इसका जवाब तो जनता देगी आने वाला 2025 में। कुल मिलाकर करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पे यादवों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया? बिल्कुल वोट नहीं दिया। अब देख लीजिए, विधान 2000 विधानसभा का आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि औराई में आपने क्या किया है, जाले में आपने क्या किया है, क्यूटी में आपने क्या किया है, आप देख लीजिए। आज सीतामढ़ी की भी बात करते हैं हम, सीतामढ़ी सुरसंड को आप देख लीजिए, बगल में हमारा विधानसभा, वहां राजद के कैंडिडेट थे अबू दुजाना साहब। एक बात बताइए, अबू दुजाना साहब सुरसंड से हार जाते हैं और दिलीप राय चुनाव जीत जाते हैं, यही तो समीकरण है। ये दोहरी राजनीति को समझना होगा, और इस और ये जनता समझ रही है। 2025 में हमारी सरकार होगी, और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, MIM के कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे जनता का फुल समर्थन हमको मिलेगा, और वहां से हम कामयाबी हासिल करेंगे। पिछली मरतबे RJD ने गठबंधन करने से AIMM को पूरी तरीके से नकार दिया था, क्या इस बार फिर से आप लोग पहल करेंगे कि महागठबंधन में आप लोग शामिल हो जाएं? हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हमारा दिल भी खुला हुआ है साहब, आप आइए तो सही, हम अपने ऊपर आपको बैठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके माध्यम से कहते हैं कि आप तेजस्वी जी को मैसेज दीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाए कार्यालय में, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हम भाजपा की मुखालफत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भाजपा को बिहार से हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसने भाजपा को जो यहाँ पोषण पालन करने का काम किया, ऐसे सकारात्मक सोच को हम लोग हटाने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग हटाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति क्या है, किसी एक कास्ट को, किसी एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रही, हम उसकी मुखालफत में हैं। अगर भाजपा की मुखालफत में हम हैं, अगर हमें आप बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लीजिए। अच्छा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि एक तरफ जो है वो अख्तरुल ईमान साहब, कई बार उन्होंने दावत दिया था कि मुझे गठबंधन में शामिल करें, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के किसी नेता के कान में जू तक नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ आपके पिछला विधानसभा चुनाव आपने निर्दलीय मैदान में कूदा था, क्या इरादा है इस बार MIM का आपने हाथ थामा है? जी अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद इफ्तिखार, अधिवक्ता, सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय। मैं 2020 में बाजपट्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि बाजपट्टी विधानसभा में जो जन आक्रोश था, विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं थी, भ्रष्टाचार व्याप्त था, शिक्षा की स्थिति बदहाल थी, तो मैं जब चुनाव लड़ा तो लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, अच्छा खासा वोट भी मिला। निश्चित रूप से इस बार मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा। इस बार हमारे बड़े भाई मुन्ना मंसूरी साहब हैं जो बाजपट्टी विधानसभा से आगामी 2025 में चुनाव लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को, उनके पैगाम को पूरे बाजपट्टी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिला बिहार तक इनके विचारों को फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे जो पार्टी AMIM के जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके सहयोग से इस बाजपट्टी विधानसभा को फतह करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मुद्दा होगा ये बाजपट्टी विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, शिक्षा की स्थिति को अच्छी करने का, सड़क पुल पुड़िया की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने का। जहाँ हमारे अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है,
तो निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के सदस्य चुनाव जीत कर जाएंगे तो इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हाथों आपने सदस्यता ग्रहण किया है और MIM का हाथ थामा है, क्या सोच कर थामा है? देखिए MIM हम आज से 5 साल पहले से ये चीज़ सोच रहे थे कि भाई हमारे लिए पार्टी कौन सी अच्छी होगी, जिस पार्टी में हम जुड़ेंगे तो हमें इज्जत मान सम्मान पूरा मिलेगा। तो हमें एक तनहा MIM ही पार्टी नज़र आई जो ये पूरी तरह से ईमानदारी और गरीबों की आवाज़ बन करके निकलते हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, हमारे पार्टी MIM में कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का, ये सब की पार्टी है। देखिए अदर लोग कहते हैं कि भाई ये BJP की बी टीम है, सी टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए सुप्रीम जहाँ भी जाते हैं ये गरीबों की ही आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। दुनिया तो कहने को बहुत सारी बातें कहती है, आप किसी के जवान को नहीं रोक सकते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब जब हम वहाँ पार्टी ज्वाइन किए तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप जो हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं ये पार्टी में जुड़ने का क्या सोचा, क्या सोच के हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं? हमने उनसे कहा कि देखिए सर, हमारे को इस पार्टी की सारी बातें अच्छी लगी, स्वभाव इनका अच्छा है, विचार इनके अच्छे हैं और लोग कहते हैं भाई ये मुस्लिम का नेता है। हमारे मिनिस्टर साहब ये मुस्लिम के नेता नहीं है, ये सारे मजलूमों के नेता है, गरीबों के नेता है और जो भी इतने लोग इल्जाम लगाते हैं ये सारे गलत हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा इस पार्टी। क्या लग रहा है आपको अगर MIM अगर आपको मौका देती है विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्या पूरी तैयारी है? जी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी यहाँ जितनी भी सीट पर लड़ेगी इंशाल्लाह सारी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। आपके मुद्दा क्या होंगे? हमारे मुद्दा देखिए आप, जो बेरोजगारी है यहाँ, सड़क की दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई के बच्चों की दिक्कत है, आज हम जहाँ भी जाते तो सड़क टूटा फटा। अभी हमारे पास कुछ ही देर पहले हमारे एक चाचा आए थे, ये क्या कहते हैं इसको, बनबीरवा से हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक सड़क है जो पुलिया है टूटी हुई है, वो काफ़ी टाइम से है, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी चाचा को बोला कि ऐसा है कि हमारा एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस है, इनको पूरा करने के बाद हम आपके साथ चलते हैं, देखते हैं जो समस्या होगा इंशाल्लाह आपका हल किया जाएगा और इंशाल्लाह भी जाकर के हल करने का काम करेंगे। तमाम यहाँ पे मौजूद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। हम आपके जिला अध्यक्ष हुए MIM के और जो अभी हमारे नज़र आलम साहब जो बोले हैं 101% सच बात बताए हैं कि हमारी कौम के लोगों को, हमारे विधानसभा में पूरे ज़िला की बात कर रहे हैं, हमारे कौम के लोगों को वोट को तो सब वोट तो सबको चाहिए लेकिन उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। उसी के लिए हमारी पूरी MIM टीम इसका एक आवाज़ बन के आई है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजलूम दलित के लिए जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज़ उठाते हैं उसी आवाज़ को हम लोग प्रखंड वाइज, जिला वाइज, प्रदेश वाइज उठाने का काम कर रहे हैं और पूरी तैयारी में लगे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग पूरी मजबूती के साथ MIM लड़ेगी और 8वीं विधानसभा में जैसे अगर पार्टी का निर्देश होगा, अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन के साथ जिसको पार्टी आला कमान मौका देगा उनके साथ ही हम लोग लड़ेंगे, पूरी मजबूती से उनको जिताएंगे और हम लोग 8वीं विधानसभा पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का एक गठन करके कमेटी बनाकर हम लोग कार्य शुरू किए हैं, नए कमेटी का गठन किए हैं और उस पर काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि नई कमेटी जो बनाए हैं उससे आपको मजबूती मिलेगी? एकदम मजबूती मिलेगी, हम लोग एक नया तरीका अपनाए हैं, उस हिसाब से हम लोग पूरी हर डोर बाय डोर अपनी बात रखेंगे, हर डोर बाय डोर हमारी जो MIM की कमेटी का जो भी मेम्बरान होंगे, MIM के जो भी चाहने वाले होंगे, जो MIM के जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी उसके मेंबर हैं वो दिल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बात से मुतासिर होकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर दीवाने होकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं और पार्टी में हैं।